वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आनंद मिश्रा और हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे राजस्थान में जेलो पोस्ट का, जूनियर लीगल ऑफिसर का। और सबसे बड़ा आप लोगों के लिए ड्रॉबैक आपको मिलेगा कि आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा कि एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न है क्या। ठीक है, हमें क्या रिटर्न फॉर्म में एग्जाम देना है, क्या आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम आएगा, कैसा पेपर आएगा, हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा। ये सब लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि आपके नोटेशन में जो चीजें लिखी गई हैं उस हिसाब से कंफ्यूजन बनती है। ठीक है, तो क्या एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव है, क्या नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में या नहीं है, कितने क्वेश्चन साइंड पेपर में, सारे के सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको जवाब ना मिले आखिरी तक तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जेलो की बात करते हैं। ठीक है, जो कि आपका जूनियर लीगल ऑफिसर पोस्ट है, याद रखिएगा, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है इसको राजस्थान लोक सेवा आयोग कराता है, हाई कोर्ट वैकेंसी को नहीं कराता है। इसको जूनियर लीगल ऑफिसर की बात करेंगे, जिसका अगर एग्जाम पैटर्न को देखोगे उससे पहले आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या इसमें कोई आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस की बात की गई है। बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर लॉ डिग्री है, चाहे वो 3 साल वाली लॉ डिग्री एलएलबी की बात करें या आपके पास 5 ईयर डिग्री है लॉ डिग्री, तो आप दोनों ही केसेस में एलिजिबल हैं। और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली हिंदी लैंग्वेज की, और साथ में राजस्थानी कल्चर आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको। तो मेन आपको एक ही डिग्री जरूरत है, वो है आपकी लॉ की डिग्री। ठीक है, और कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लिटिगेशन में, वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, स्टेजेस, 2 स्टेजेस में आपका बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराया था राजस्थान जेलो का। पहला स्टेज आएगा एग्जाम का, जो कि आपका प्री एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे आप लोग रिटर्न लिखा हो गया होगा या मेंस एग्जाम लिखा गया है नोटिफिकेशन में, उसको वही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो वो उसकी वेटेज आपको 200 नंबर मिलेगी। ठीक है, 200 नंबर वेटेज रहती है, याद रखिएगा। 4 पेपर्स आपको मिलेंगे। और दूसरा आपको इंटरव्यू की बात करते हैं, जो कि 25 नंबर वेटेज रहता है। ठीक है, जो मेरिट आपकी फाइनल बनती है वो 225 नंबर में से बनती है। आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, यही आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो प्रिलिमरी एग्जाम की बात करें, जिसे आप लोग ने वहां पे, ठीक है, रिटर्न एग्जाम लिखा हुआ है, मेंस एग्जाम लिखा हुआ है, वो आपका बेसिकली प्री एग्जाम है, जो कि 4 पेपर्स हैं इसमें। फर्स्ट पेपर आपको मिलेगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेनली आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम पीरियड के बारे में बात करें, 3 घंटे का एग्जाम होगा, याद रखिएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, वो भी कौन सी फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 नंबर वेटेज होगी। ठीक है, याद रखिएगा, 50 नंबर पूरे पेपर की वेटेज होगी। और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, ठीक है, वो भी 1/3 दिया गया है। क्लियर सबको? तो एक तिहाई आपको नेगेटिव मार्किंग है, और याद रखिएगा क्वेश्चंस आपसे 150 पूछे जाएंगे और उसकी वेटेज जो है वो 50 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो पहला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा पेपर ऐसे ही आपका 3 घंटे का किया जाएगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस आपके सीपीसी से आएंगे और 75 क्वेश्चंस आप लोगों के सीआरपीसी से आएंगे। ये भी आपके टोटल 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, इसकी वेटेज आपको 50 नंबर मिलेगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा पेपर, ठीक है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशन एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट बेसिकली वीक भी होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सोर्सेस कम होते हैं, आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और पढ़ते नहीं है। लास्ट आपको मिलेगा ड्राफ्टिंग की बात करें, ठीक है, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग वाला आपको एस्पेक्ट मिलेगा, जिसमें आपको 3 घंटे का पेपर, सेम आपको 150 नंबर वेटेज, ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन और 50 नंबर इसकी वेटेज मिलती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है। ठीक है, फोर्थ पेपर जो कि लैंग्वेज का होगा, जिसमें हिंदी के 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 3 घंटे वेटेज है, 150 नंबर का आपको टोटल, सॉरी, 150 क्वेश्चन आएंगे और 25 25 नंबर की आपको वेटेज मिलेगी, दोनों की, हिंदी की 25 और इंग्लिश की 25, तो टोटल 50 नंबर का पेपर हो गया ये, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। टोटल आपका जो प्रिलिमरी एग्जाम की बात करें, जिसे आप लोग मेन एग्जाम लिखा गया है वहाँ पे नोटिफिकेशन में, उसकी वेटेज आपको 200 नंबर मिल जाती है। ठीक है, ये है बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर में एग्जैक्टली आता क्या है। फर्स्ट पेपर में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन आप देखोगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो लिखा है यहाँ पे, साथ में लिखा है विद स्पेशल एम्फसाइज करना है आपको किस पे, फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि आपका पार्ट 3 में है। डीपीएसपी की बात करें, ठीक है, साथ में आप रिट्स की बात करते हैं, डीपीएसपी आपका पार्ट 4 मिलेगा, साथ में रिट्स के 32 आर्टिकल की बात करते हैं, 226 से प्रोविजन आपसे पूछ सकते हैं आर्टिकल के,
जो आपके हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के इतने प्रोविजंस हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस और अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। लेकिन याद रखिएगा, ये नहीं कह रहा कि यही बस चार टॉपिक्स पांच टॉपिक्स आएंगे। इसमें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपके ज्यादातर वेटेज जो होती क्वेश्चंस की वो इन टॉपिक से होगी। इसका मतलब आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो उसकी वेटेज 50 नंबर, पहले बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको स्लाइड में कि 150 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे वो 2013 की नोटिफिकेशन आप उठा के देख लीजिए, 2019 की नोटिफिकेशन आप देखेंगे, सब में आपको इसी नोटिफिकेशन, जैसे 2023 की नोटिफिकेशन आई है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन वहां भी ऐसे पैटर्न लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आपको जब डिटेल में जाएंगे, एग्जाम होता है जो, तो आपका एमसीक्यू फॉर्म में ही कराया जाता है, ठीक है। दूसरा पेपर, ठीक है, जो कि आपका प्रोसीजरल का पेपर है, इसमें आपको सीपीसी और सीआरपीसी से दोनों से 75 75 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपको प्रोविजन कुछ लिख रखे हैं, कौन से, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के रिगार्डिंग प्रोविजन होंगे, ठीक है। तो जो भी आपके प्रोविजन आपको सीआरपीसी सीपीसी में गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफिस के रिगार्डिंग है, गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग है, उनको थोड़ा सा आपको ज्यादा वेटेज देना है, लेकिन आपका पूरा का पूरा एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसकी भी वेटेज 50 नंबर, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। नेक्स्ट आता है पेपर थर्ड, जो कि एविडेंस एक्ट की बात करता है, लिमिटेशन एक्ट आपको देखने मिलेगा, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट मिलेगा और साथ में ड्राफ्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। 50 नंबर वेटेज, 150 नंबर सॉरी 150 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। पेपर फोर्थ, ठीक है, हिंदी का आता है बेसिकली, सिलेबस को आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपकी ग्रामर पोर्शन सारा का सारा आता है आप लोगों का, आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ग्रामर यहाँ पे पूछ ली गई है हिंदी में। अगर आप देखेंगे पेपर फोर्थ में जिसकी वेटेज 25 नंबर है, तो 25 नंबर वेटेज है, ऑब्वियस बात है, आपके 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन हिंदी से आने वाले हैं। और आपको राजस्थान में एक अच्छी चीज मिलेगी आपको, कि यहाँ पे कभी भी आपको, चाहे वो जुडिशरी की बात करें, एपीओ आप देखेंगे, जेएलओ देखेंगे, हिंदी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आपको वेटेज सेम मिलती है, ठीक है। कोई बायसनेस नहीं दिया गया कि इंग्लिश की ज्यादा वेटेज है या हिंदी की ज्यादा, हिंदी इंग्लिश आपको हर स्टेज में मिलेगा, चाहे वो प्री एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश के बीच जो टॉपिक्स हैं वो ग्रामर के टॉपिक आपको मिलेंगे, उसकी भी वेटेज 25 नंबर है, 75 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा। अब कुछ चीज और है आपको, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50 ले आए, दूसरे में आपके कम रह गए, 10 नंबर रह गया, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन भी है साथ में, ठीक है। वो ये कंडीशन है, ठीक है, ऑलरेडी हम चीज ये डिस्कस कर चुके कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, वो सब चीजें मैंने बता दिया, 150 क्वेश्चन देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 150 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि कितनी है, 1/3 होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी, ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऑलरेडी सिलेबस का, अगर आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पे देखेंगे वेबसाइट पे। तो साथ में आपको हर पेपर में ना एक इम्पॉर्टेंट है कि 40% मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने इंडिविजुअली सब में 40 40% मार्क्स स्कोर किया है, तभी आपका बेसिकली कट ऑफ में आ सकता है ओवरऑल। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, मिनिमम सब में, हर पेपर में चार पेपर्स हैं, सब में आपको मिनिमम 40% लाने हैं, उसके बाद आपको कट ऑफ में देखेंगे कि कितना आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। इंटरव्यू आपका 25 नंबर का कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, राजस्थान जेलो की बात करते हैं तो 25 नंबर का इंटरव्यू है। और याद रखिएगा, टोटल जो कट ऑफ आपकी बनने वाली है, सिलेक्शन कट ऑफ जो है वो प्री एग्जाम 200 नंबर, 25 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 225 में आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आप लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल का आपको आईडी दिया होगा, इंस्टाग्राम दिया हुआ है, ठीक है, कनेक्ट होते हैं आप लोग, कोई भी डाउट हो तो। साथ में आप लोग हम अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर बैचेस मिल जाएंगे और आप लोग के लिए इंडिया में सबसे जुडिशरी का सबसे बड़ा इवेंट आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे देखेगा, जुडिशरी रैंकर समिट आपको मिल रहा है, जो कि इंदौर में कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, इंदौर में हो रहा है आप लोगों के लिए, जिसमें आपके एक दो जजेस की बात नहीं कर रहे हैं, 50+ जजेस, ठीक है, जिनका एमपी में सिलेक्शन हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का एज अ जज आपका सिलेक्शन हुआ है, 50+ जो जजेस बेसिकली एक साथ एक ही इवेंट में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये इवेंट 8 तारीख को, ठीक है, 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आपको रजिस्टर करना है, बेसिकली स्कैन कर सकते हैं इसको, स्कैन के थ्रू आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, लिमिटेड सीट्स हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग सबसे पहले तो इनरोलमेंट कर लीजिए इसका, अगर आपको इनरोलमेंट का लिंक नहीं मिलता, अगर आप स्कैन के थ्रू नहीं कर पाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, जैसे आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, काउंसलिंग होगी आपकी, फ्री एंट्री है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं मिल रहे हैं लग रहे हैं, और साथ में आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री गाइडेंस बुकलेट मिलेगी आप लोगों की, ठीक है, जो कि टॉपर्स के द्वारा लिखी गई, ठीक है। इंदौर में सेशन याद रखिएगा, ये सारे जजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिनका एमपी सीजे
सिविल जज में सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, वो आपको इंदौर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 50+ जजेस हैं, याद रखिएगा ये मौका बार बार नहीं आता है, तो मिस मत कीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को। और साथ में आप प्रिपरेशन करेंगे जेएलओ की, एपीओ की, जुडिशी की, तो सबके लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे। साथ में अभी आपको मंजिल बिहार जुडिशी बैच चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, डिफरेंट और भी बैचेस आपको मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, 29 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मीन्स का आपको कवरेज होगा, बेसिकली सारे के सारे लाइव क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोगों के लिए रहते हैं, वही लाइव क्लासेस रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं, कोई क्लास डिलीट नहीं होगी आपकी, आप पिछले 2-3 साल की क्लासेस भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप की बात करते हैं, इंटरव्यू प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, मीन्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो कॉम्प्रिहेंसिव आपको पूरा पैकेज मिलता है। ठीक है, आपको करना क्या होता है, बस आपको आनंद सर लाइव कोड जो कि मेरा कोड है इसको यूज कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि आइकॉनिक में आपको मेन है मेंस की आंसर शीट आपकी चेक होती है, इवेलुएट होती है, वो सबसे बड़ा आपको एस्पेक्ट मिलेगा। साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाती है, मेंटरशिप मिल जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, तो आप आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन में जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सेम कोड यूज करने के साथ आनंद सर लाइव कोड यूज करने, साथ में आप लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मेरा आनंद मिश्रा सर के नाम से, ठीक है, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके आंसर मिल गए हैं तो प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।